अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि पंजाब विधानसभा चल रहा है और हमारे बीच में डेरावासी से जो सेकंड टाइम एमएलए बने हैं श्री एन के शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, कौन कौन से मुद्दे आपने विधानसभा चके, जैसे हमने पहले देखा कि आपने बिजली के ऊपर मुद्दा चखा था, पहले बिजली की बात क्लियर कीजिए। देखो, आज पंजाब के लोग रो रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 रुपये बिजली देने का वादा किया था, लेकिन आज बिजली 9.5 रुपये यूनिट मिल रही है। अगर आप 5 साल पहले वाला बिल उठा के देख लो, आज का देख लो, डबल बिल लोगों के हो रहे हैं। अगर हम 2.86 रुपये बिजली थर्मल प्लांटों से खरीद के पंजाब के लोगों को 5.5 रुपये अपनी सरकार में दे सकते हैं, तो उसी रेट पे ये खरीद के क्यों नहीं बिजली 5.5 में दे रहे। असल में इस सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। 4300 करोड़ रुपये का फ़ायदा प्राइवेट थर्मल प्लांटों को दिया, कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं लड़े, केस हाई कोर्ट में डीबार हुए। जब हमारी सरकार में हम 2 कोर्टों में केस जीत सकते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों हारे? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया और सारा नज़ला जो है एडवोकेट जनरल पे डाल दिया इन्होंने। सो पहली बात तो ये कि वो 4300 करोड़ रुपया और वो 4300 करोड़ रुपये का जो वजन है वो पंजाब के लोगों पे डाल दिया। आज तो अब देखो कि हर महीने गरीब लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ पिछले दिन ही प्रोटेस्ट में आए थे एक ऐसी परिवार जिसके 200 यूनिट माफ थे, कभी अकाली दल की सरकार में बिल ही नहीं आया उसका। 1,61,000 का जो बिल उसका आया था, वो रो रही थी। यहाँ पर सीएम को मिलना चाहते थे, इन्होंने उनको मिल नहीं दिए। फिर मेरे हल्के में हमने 6-7 पार्कें बनाई थी। एक पार्क आपने क्वेश्चन भी था आपका, मैंने क्वेश्चन लगाया था आपने। एक पार्क बटाने थी और एक पार्क हमने पीर मछाले की, जिसके 3 करोड़ रुपये गमाडा ने उस टाइम सेंक्शन किए थे डेवलपमेंट के लिए। और आज मंत्री जी ने जवाब दिया कि 1 करोड़ रुपया पीर मछाले में खर्च हुआ, 50 लाख रुपया जो है वो बरटाने में खर्च हुआ। अच्छा, एक बात पूछना शर्मा जी, सॉरी, एक बात पूछना चाहते हैं। जैसे इन्होंने सरकार 3 करोड़ का है, तो आप एमएलए, आप पैसा तो आपके जरिए गया होगा कि अब डायरेक्ट जाता है? 3 करोड़ रुपये गया था गमाडा के पास। इन्होंने जवाब दिया कि हमने 1.5 करोड़ लगाया, 1.5 करोड़ रुपया गमाडा अपने पास रख के बैठ गया सरकार बदलने के बाद। उस पार्कों का काम ही नहीं हुआ और जो ट्रैक उस टाइम बने थे वो सारे टूट गए हैं। जो लाइटें हमने लगाई थी वो टूट गई हैं। मेंटेनेंस कोई भी नहीं है और हाथ खड़े करके मंत्री जवाब देने से भाग गया। फिर दूसरी बात मैंने कही थी कि मेरे हल्के में चिड़ियाघर है, बहुत बड़ा स्थान है, 50-50 फुट तक वहाँ पे खड्डे डाल दिए, दरख्त पट के ले गए, ग्रेट थ्रेट जानवरों को है। सो और भंखरपुर में माइनिंग हो रही है, कोई सामलाट ज़मीन नहीं छोड़ी, कोई गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन नहीं छोड़ी। मैंने सीएम साहब को कहा था कि आपका एडवाइज़र, आपका मिनिस्टर, आपका हल्का इंचार्ज रल के ये माइनिंग कर रहे हैं, आप कम से कम खड़ा हो के भरोसा तो दवा दोगे कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सीएम साहब की कंसेंट से हो रहा है, उनकी आज्ञा से हो रहा है। सीएम साहब ने खड़ा होकर बयान देना भी मुनासिब नहीं समझा। ये मसला भी आज मैंने उठाया था। तो इसके अलावा और कौन कौन से मसले थे आपके एरिया के, जैसे आपका एरिया जैसे मोस्टली हब बन रहा है, जैसे मुलाजमों के मसले हैं? सुमगौली में जो प्लांट ये लगाने लग रहे हैं हेरा फेरी करके, उसका मसला था। बहुत सारे मसले हैं जो आने वाले दिनों में आएंगे और हम अच्छी तरह उठाएंगे इसको। तो प्यारे भाई बहनों, ये थे हमारे बीच में एनके शर्मा जी, डेरावासी से एमएलए। देखो, ये देखा होगा आपने किस तरह जोर जोर से के साथ अपने एरिया की दिक्कतें सरकार को विधानसभा के अंदर बता रहे हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी जी के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।